अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके BTC सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2019। तो दोस्तों अब आपके पेपर खत्म हो चुके हैं, अब क्या करना है? ठीक है, पेपर तो सभी बच्चे के खत्म हो गए, अब आगे क्या करना? देखिए, सबसे पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि कैसे करना है तैयारी। ठीक है, आपका UPTET या CTET? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसलिए आ रहा है कि आपका CTET का पेपर भी डेट आ चुकी है दोस्तों, 8 दिसंबर का इसका पेपर होने वाला है। अभी आपका UPTET का कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों इसका पेपर नवंबर में हो सकता है। तो ये UPTET है भाई, इसकी जो जिम्मेदारी होती है आपकी राज्य सरकार की होती है, और CTET की केंद्रीय सरकार की। ठीक है, केंद्र सरकार की, तो उसका काम थोड़ा अच्छा रहता है, सब कुछ पहले से डेट डिसाइड हो जाता है, लेकिन UPTET में डेट चेंज भी होती है, लास्ट टाइम में बदली जाती है। तो थोड़ा वेट करिए, सब्र करिए। और दोस्तों कौन सा पेपर देना होगा सही? और सबसे पहले दोस्तों आज हम बात करेंगे आपका जो पेपर हुआ था इस बार, कैसे क्वेश्चन पेपर आए, सभी सब्जेक्ट्स पर दोस्तों हम बात करेंगे, किसमें बच्चों की बैक लग सकती है, किसमें बैक नहीं लगेगी, हर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों गणित और सामाजिक अध्ययन की वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं, मतलब दोस्तों इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। अगर आपका जो आप देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं पेपर में, तो इसका दोस्तों पूरा पेपर सोल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों पहला डिस्कस कर लेते हैं आपका पेपर के, उसके बाद दोस्तों डिस्कस करेंगे आगे UPTET और CTET के बारे में। ठीक है, मैं इसी को डिस्कस करने वाले दोस्तों हम लोग, कि आपकी बार कैसे आए पेपर पूरा विश्लेषण। देखिए, आपका पहला पेपर हुआ था वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो सभी बच्चों का पेपर ये काफी अच्छा गया था, क्योंकि दोस्तों ये थ्योरी पेपर आया था, तो ये क्वेश्चन में सभी बच्चे, लगभग 90% बच्चे दोस्तों इस पेपर में पास हो रहे हैं, तो एक अच्छी बात है, खुशखबरी है। और दोस्तों दूसरा पेपर आपका हुआ प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसमें दोस्तों सभी बच्चों का पेपर अच्छा हुआ और तकरीबन 90% बच्चे इसमें भी पास हो रहे हैं। अब अगला पेपर दोस्तों आपका विज्ञान आता है, तो विज्ञान भी दोस्तों अधिकतर बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन दोस्तों इसमें दो पासिंग परसेंटेज थोड़ा डाउन हुई, वो 70% पर आ गई। विज्ञान में बैक आने का दोस्तों एक रीजन ये था कि आपने तैयारी उतनी अच्छी नहीं कर पाए। देखिए, आपको विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसकी आपको तैयारी थोड़ी डीपली करनी पड़ेगी, इसके क्वेश्चन रिपीट कम होते हैं विज्ञान में, और सब्जेक्ट्स में दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो यही रहेगा कि आगे से आप लोग अच्छी तैयारी रखिएगा, लेकिन हाँ बच्चे फेल नहीं होंगे विज्ञान में, लेकिन 70% बच्चे कम से कम पास हो रहे हैं। अब दोस्तों बात करेंगे गणित की, वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। देखिए, गणित में अधिकतर बच्चों की बैक आ रही है, और एक चीज और बता दें, जो इस बार का आपका पेपर आया था मैथ का, वो बिल्कुल भी कठिन नहीं था दोस्तों, उसमें क्वेश्चन क्या थे घुमा दिए गए। क्वेश्चन दोस्तों होता है ना, जैसे जीरो लिखा है दोस्तों, अब जीरो का आप ऐसे लिख सकते हैं 125 माइनस 125 प्लस का 2 माइनस का 2, ऐसे करके दोस्तों लिखेंगे तो आंसर तो आपका जीरो ही आएगा ना। तो खाली कहने का मतलब दोस्तों ये है कि भाई हमारा क्वेश्चन तो ये था, आंसर जीरो ही आना था, लेकिन क्वेश्चन को इतना बड़ा घुमा घुमा कर लिखा गया, इसलिए आपको गणित का पेपर दोस्तों कठिन लगा। लेकिन पेपर में कुछ भी दम नहीं था, पहले 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी के और 6 क्वेश्चन अति लघुत्री के, बिल्कुल सरल क्वेश्चन थे, तो आपको थोड़ी दोस्तों कोशिश और करनी चाहिए थी। देखिए, अगली बार आपको भाषा का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब उसकी जो लैंग्वेज होती है उसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन उसके आधार पर आपको प्रश्न पत्र हल करना पड़ेगा। देखिए, इस बार आपने गलती कर दी है दोस्तों, अभी आपके पास लंबा समय है, अभी आपके पास दोस्तों देखिए थर्ड सेमेस्टर है, अगर आपकी बैक लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आपके पास फोर्थ सेम है, तो इसमें आपको कवर करना है। देखिए, अभी आपके पास समय रहते हैं दोस्तों, अगर आपकी मैथ अच्छी हो जाती तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अभी आप UPTET का पेपर देंगे या CTET का पेपर देंगे, देखिए UPTET में 30 नंबर की मैथ आती है, इसको ध्यान में रखना है आपको, 30 नंबर की मैथ आएगी UPTET में, CTET में भी दोस्तों 30 नंबर की मैथ आती है, वैसे 15+15 में डिवाइड होता है, 15 नंबर का आपका पेडागोजी आता है, 15 नंबर की मैथ आती है, तो वो भी मैथ की दोस्तों पेडागोजी पूछी जाती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपने मैथ की तैयारी अच्छी नहीं की है तो समझ लीजिए आपका मैथ में बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको UPTET या CTET का पेपर पास करना है तो मैथ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप दोस्तों मैथ के लिए आपके लिए स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक बता रहे हैं आने वाले टाइम के लिए। देखिए, मैथ के लिए स्पेशल टिप पहले क्या होगी आपके लिए, पहली बात, अगर आपकी मैथ बेस ही कमजोर है, अगर आपने 8 साइड से पढ़ रखे दोस्तों, कला वर्ग आपने ले रखा था, अगर आपने बायो वर्ग से है, ठीक है, तो आपकी मैथ अच्छी नहीं होगी। सबसे पहले दोस्तों आपको काम करना होगा, या तो आप लोग होम ट्यूशन लीजिए, ठीक है, नहीं तो दोस्तों आप लोग हमारे माध्यम से भी कोचिंग पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, तो आपको रोज की क्लासेस की वीडियो दोस्तों दी जाएगी सिंपल सिंपल बना के, तो आप लोग हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसकी फीस आपको 999 पड़ेगी पर मंथ, तो दोस्तों थोड़ी महंगी भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने बच्चों को हम पढ़ाएं उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकें, और जितनी भी दोस्तों नॉलेज होगी, चाहे करंट अफेयर्स पर डे की
और भी बेसिक चीजें दोस्तों उनको बताता है कि। तो दोस्तों फीस थोड़ी महंगी है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ने का, तो आप लोग कमेंट करिएगा। दोस्तों फीस तो है, लेकिन हाँ इस बार दोस्तों मैंने देखा जो मैथ की हालत थी वो बहुत ही खराब थी, और दोस्तों हमने आपके लिए काफी वीडियोस बनाए, लेकिन होता क्या है कि आपकी बेस ही कमजोर है। तो दोस्तों अगर आप लोग बेस अपना अच्छा नहीं सुधारेंगे तो आपको दिक्कत आएगी आने वाले समय में, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप लोग हमसे पढ़ लीजिए, या तो अगर आप जहां पर भी आप रहते हो जिस भी सिटी में, वहां आप लोग देखिए ट्यूशन पढ़ सकते हैं, आपके घर में पर्सनली ट्यूशन लगा सकते हैं, या कोचिंग दोस्तों जाइए वहां पर। देखिए अगर आप लोग बीटीसी की मैथ क्लियर नहीं कर पा रहे, तब तो आपके लिए यूपी टेट और सी टेट बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, उसकी मैथ इतनी आसान नहीं होती। उसके बाद आपका सुपर टेट, अब सुपर टेट में क्या होता है भाई, उसके बाद तो आपको नौकरी मिलती है। अगर आप दोस्तों सुपर टेट में ऐसे करेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। यूपी टेट में चलिए मान लेते थोड़ी देर के लिए आप तुक्का लगाते हैं, यहाँ पर तुक्के की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि यूपी टेट में फिलहाल आज की डेट में पासिंग मार्क ही चाहिए। तो पासिंग मार्क आप 82 नंबर आरक्षित वर्ग वाले लिए आएंगे, जनरल ओबीसी एससी एसटी इन 4 वर्गों के लिए, ठीक है, एससी और एसटी के लिए। अब 290 नंबर वो उनको लाना होता है जो बच्चे जनरल से आते हैं। तो चलिए तुक्के से आप 90 नंबर ले आए ठीक है, लेकिन जब सुपर टेट की बारी आएगी ना, वहां एक एक नंबर से दोस्तों आपकी नौकरी मिलती है और नौकरी जाती है। तो बस इतना ही आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि यार बात जब नौकरी पर आ जाए ना, तो आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, और कोशिश दोस्तों आपको करनी चाहिए कि आप पैसे लगाइए, अच्छे से पढ़िए। देखिए आपने 41,000 रुपये फीस पेमेंट किया है प्राइवेट कॉलेजेस वाले बच्चे, और आपको पता है कि 1 साल का कम से कम जो 60,000 रुपये आपका खर्चा आ रहा होगा, और 2 साल में लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब करीब आपका बीटीसी में खर्चा करेंगे। तो आप 1-1 हजार रुपये दोस्तों आप पर मंथ फीस नहीं पे कर सकते, या आप लोग कोचिंग नहीं कर सकते, तो दोस्तों ये आपकी कमी है। फिर इसमें दोस्तों आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, देखिए इतने पैसे आपने खर्च किए हैं, तो आप लोग जाइए अपने आप कोचिंग कर सकते हैं, या हमसे पढ़िए अगर आपको हमारी मैथ पसंद आई हो। तो दोस्तों डिपेंड्स आप पर करता है, क्योंकि ये जरूरी है दोस्तों, सच बता रहे, नहीं तो आप आगे चलकर आपको दिक्कत होगी। जिन बच्चों को मैथ में कमजोरी लगी, विज्ञान में कमजोरी लगी, और दोस्तों बात आती है अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजी का पेपर आज का काफी आसान आया था, क्वेश्चन अच्छे थे, ग्रामर पोर्शन ज्यादा था, लेकिन ग्रामर बहुत ही बेसिक पूछा गया था, इसलिए पेपर हम कहेंगे सही था इस बार का। तो आपने अंग्रेजी में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, अब हिंदी ये भी आपका आसान आया था। तो आपको दोस्तों कोशिश ये करना है कि आप प्रति सेमेस्टर में चले तो गए हैं, लेकिन अब आपको नौकरी के लिए सोचना है, इसके लिए नहीं सोचना है कि अब हम क्या कर रहे हैं। तो हमारी बात मानिए, तो आपको तुरंत कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए जिन बच्चों की मैथ कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, क्योंकि यार आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपको उतना फायदा मिलेगा, और नौकरी पाना है ना दोस्तों तो कंपटीशन करना पड़ेगा, और मैथ से आपको भाग नहीं सकते। मैथ, इंग्लिश, विज्ञान, ये 3 सब्जेक्ट दोस्तों आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, जब तक दोस्तों आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए तब तक ये आपके पीछे लगे रहेंगे। तो कोशिश करिएगा दोस्तों आप लोग कोचिंग में एडमिशन कराइए, कहीं पर भी पढ़ाई करिए, और आपका ही अच्छा होगा दोस्तों, हमारा तो हो या ना हो, लेकिन आप लोग दोस्तों जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उतना ही आगे चलकर आपके लिए बढ़िया रहेगा। और दोस्तों 33 सेमेस्टर की तैयारी बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं, तो दोस्तों आप लोग एक टाइम बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि किस टाइम आप लोग फ्री रहते हैं। अधिक से अधिक बच्चे जिनका जो कमेंट आएगा दोस्तों, उस टाइम भी ऑनलाइन क्लासेस 33 सेमेस्टर के लिए थोड़ी बहुत शुरुआत की जाएगी मैथमेटिक्स को लेकर दोस्तों, जिसमें आपका बेसिक क्लियर किया जाएगा। तो सब कुछ दोस्तों आप लोग बता सकते हैं कि भाई आप आगे कैसे पढ़ाई करनी है आप लोगों को, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने मैथ में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, और दोस्तों जिस बार मैथ का एवरेज आएगा, पासिंग मार्क देख लीजिएगा, 50-50% आएगा, 50% लड़के पास होंगे, 50% बच्चे फेल होंगे, 50-50 आएगा। सामाजिक अध्ययन अच्छा पेपर गया, लगभग 90 से लेके 85% तक बच्चे पास हो जाएंगे, हिंदी में दोस्तों आराम से 90% बच्चे पास हो रहे हैं, और अंग्रेजी में दोस्तों आपके 70% बच्चे पास होंगे। मैथ में दोस्तों बच्चे ज्यादा बैक आएगी, अंग्रेजी में भी बैक आएगी, लेकिन वो सेकंड नंबर पर रहेगा विज्ञान के साथ। तो आपको अच्छी तैयारी करनी है। अब दोस्तों हाँ, आपका एक सवाल आ रहा था यार, तैयारी एक क्वेश्चन था कि हम सी टेट की तैयारी करें या यूपी टेट की। तो दोस्तों आप हमारी बात मानिए, तो यार पैसे थोड़े लग जाएंगे, महंगा तो पड़ेगा, लेकिन आप दोनों का फॉर्म डालिएगा। अभी दोस्तों फिलहाल रूल आने दीजिए, देखिए ये रूल में आया नहीं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भले था, लेकिन अभी तक दोस्तों जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें लिखा रहेगा कौन कौन से बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वेट एंड वॉच करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि हम लोग अप्लाई कर पाएंगे या नहीं सभी बच्चे। तो लेकिन हमारी मानिए तो सीटेट एक अच्छा ऑप्शन आपके पास इसलिए रहता है दोस्तों कि अगर आपकी इंडिया लेवल पर कोई वैकेंसी आती है यूपी के बाहर, तो वहां दोस्तों आपका सिर्फ सीटेट काम आएगा, वहां पर आपका यूपी टेट काम नहीं आएगा, और यूपी टेट दोस्तों काम आपका तब आएगा जब आपकी कोई वैकेंसी आपके उत्तर प्रदेश में आती है। तो ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी सीटेट और यूपी टेट में अंतर क्या है। तो दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आपको आखिर आगे चलकर करना क्या है। फॉर्म आने वाले हैं, बस कुछ ही दिन का दोस्तों इंतजार है, मुश्किल से
2 से 4 दिन, तो दोस्तों आपका सीटेट का फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों और फॉर्म भरिए। और दोस्तों कमेंट करके आप बता सकते हैं कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन दोस्तों क्लासेस लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो ये क्लासेस होंगी वो सितंबर से सोच रहे हैं शुरू करने की, तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं टाइम। अगर आपको और लेट शुरू करना है तो लेट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी दोस्तों काम अच्छा खासा हो रहा है, तो दोस्तों फीस इसलिए लगती है कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल हम प्रोवाइड कर सके, अच्छी बुक्स आपसे डेटा आपको मिल सके, अच्छी से अच्छी किताबों का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। सभी बच्चों का पेपर क्लियर हो, और जिनका एक में 1 से 2 में बैक लग रही है तो उनको परेशान नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि ये बैक आपको आगे चलकर आपको कोई दिक्कत नहीं देगी दोस्तों। तो बैक आई है तो उसका मतलब आपको एक सबक लेना है कि अब आगे चलकर हमारी बैक ना आए, क्योंकि दोस्तों ये अभी आपके स्टार्टिंग फेज है। जब आपके दोस्तों यही नंबर अगर यूपी टेट में गलत होंगे तो आपको ज्यादा दुख होगा, सी टेट में गलत होगा ज्यादा दुख होगा, लेकिन ये तो बीटीसी में हुआ है कोई नहीं। लेकिन हाँ, 3 में बैक आने का मतलब होता है सेमेस्टर बैक, तो उम्मीद करते हैं किसी का सेमेस्टर बैक तो नहीं आएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।